हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां हम पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। और यहां भी आज जो है इस वीडियो में ये हमारा लास्ट पार्ट है पॉलिटी क्वेश्चंस का। उसके बाद हम ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हमेशा एग्जाम में आई जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और बाकी जो वीडियोस मैंने पहले डिस्कस की थी उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस वीडियो का, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन एमरजेंसी। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है हमारा जो कि एमरजेंसी जब लगती है तो उस टाइम पे भी वो सस्पेंड नहीं होता है। बाकी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सारे सस्पेंड हो जाते हैं एमरजेंसी के टाइम पे। सो द राइट आंसर इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये फंडामेंटल राइट जो है हमारा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होता है। देन राइट टू स्पीच हो, चाहे राइट टू रिलीजन हो या फिर राइट टू इक्वालिटी हो, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये हम कोर्ट नहीं जा सकते अगर एमरजेंसी है और हमें ये राइट अगर हमारा वायलेट हो रहा है तो उस टाइम पर हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते इस चीज़ की कि हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है यही इसी के लिए, सिर्फ अगर ऐसा हो रहा है तो इसी के लिए सिर्फ हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है या राइट टू पर्सनल लिबर्टी जो है वो हमारी वायलेट हो रही है। बाकी इनमें से कोई भी जब एमरजेंसी होती है तो उस टाइम पर ये कोई भी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास नहीं होते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग विच मूवमेंट वॉज सरदार पटेल गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। सरदार पटेल कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे? ये बेसिकली हमारे फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड इनको जो सरदार का टाइटल दिया गया था ये कब मिला था? सो ड्यूरिंग बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे इनको, वल्लभ भाई पटेल को, सरदार का टाइटल दिया गया था। और बेसिकली जो टाइटल है सरदार का, ये टाइटल इन्हें वहाँ की बारडोली की विमेन ने दिया था। जो औरतें थी, औरतों का ग्रुप था जो सपोर्ट कर रही थी सत्याग्रह में, उन लोगों ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था बारडोली सत्याग्रह में। द बारडोली सत्याग्रह वॉज अ मेजर पीजेंट मूवमेंट। और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे मूवमेंट के नाम होंगे कि इनमें से पीजेंट मूवमेंट कौन सा था। सो बारडोली सत्याग्रह एक पीजेंट मूवमेंट था, कहाँ पर? गुजरात में। और कितनी बार ईयर भी पूछा गया है, सो आपको ईयर पता होना चाहिए। 1928 में बारडोली सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था गुजरात में। जो लीड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें वहाँ औरतों ने, वहाँ की जो विमेन थी उन लोगों ने सरदार का टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओनली आफ्टर इट्स सक्सेस पटेल साहब वॉज गिवन द टाइटल ऑफ सरदार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वॉज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड। एंटी डिफेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, सो एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ किस ईयर पास हुआ था, कब इम्प्लीमेंट हुआ था। सो एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड इन 1985। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज फाइनेंशियल एमरजेंसी। कौन सा आर्टिकल जो है ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है या राइट देता है कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं? सो आर्टिकल 360। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, कभी भी नहीं लगी। ये प्रोविज़न दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में पर ये आज तक अप्लाई नहीं हुआ है, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। सो आर्टिकल 360 आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू द राइट टू इक्वालिटी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट। इनमें से जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है रिगार्डिंग राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी के बारे में यहाँ पे कौन सी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट? सो ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। सो ये जो है यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जितने भी पर्सन है, जितने भी सिटीजन है, सिटीजन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इस पर्सन की बात हो रही है कि जितने भी पर्सन है वो इक्वली प्रोटेक्ट किए जाएंगे, लॉज जो है कंट्री का वो सबके लिए इक्वल होगा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड लैंग्वेज। सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में लैंग्वेज का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि लैंग्वेज के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, मतलब फंडामेंटल राइट्स में ये मेंशन नहीं है। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
बट वहाँ पे लैंग्वेज मेंशन नहीं है। सो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट जो है राइट आंसर होगी हमारे क्वेश्चन के, क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें। और द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबॉलिश्ड, सो ये भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो ऑप्शन बी था, जो कि जहाँ पे लैंग्वेज मेंशन किया गया था, तो लैंग्वेज मेंशन नहीं है। कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता सेक्स, जेंडर और रिलीजन को लेकर के, बट वहाँ पे कास्ट, कास्ट भी मेंशन है, रिलीजन भी मेंशन है, सेक्स भी मेंशन है, बस लैंग्वेज जो है वो मेंशन नहीं है। एंड प्लेस ऑफ बर्थ के इस पे भी कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज और आर अवेलेबल अंडर आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 में कौन से राइट्स मेंशन किए गए हैं। सो हमारा जो है आर्टिकल 25 टू 28 फंडामेंटल राइट है ये भी हमारा, एंड ये आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमारा कौन सा राइट है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो ये हमारा आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 30। देन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14। सो ये आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। राइट टू स्पीच आर्टिकल 19। तो सारे फंडामेंटल राइट्स आपको पता होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर आंध्र प्रदेश वॉज क्रिएटेड, आंध्र प्रदेश जो है कौन से ईयर में क्रिएट हुआ था, कौन से ईयर में बना था। सो द राइट आंसर इज 1956 में आंध्र प्रदेश क्रिएट हुआ था। द कांग्रेस इन इट्स जयपुर सेशन अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमेटी ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज JVP कमेटी आफ्टर द नेम ऑफ इट्स लीडर। कितनी बार ये पूछ लेते हैं कि JVP कमेटी किससे रिलेट थी, किस लिए थी JVP कमेटी। बेसिकली JVP कमेटी जो थी वो कमेटी बनाई गई थी लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट्स को। सो इसमें JVP की फुल फॉर्म जो है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू इसमें थे, वल्लभ भाई पटेल थे, एंड पत्ता भी सीतारामैया थे। तो ये तीनों मेंबर थे, तो इस कमेटी को इस वजह से JVP कमेटी बोला जाता है। द कमेटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली ये कमेटी बनाई गई थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए, बट इस कमेटी ने ये रिजेक्ट कर दिया था कि कोई भी स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बनेगी। देन पोट्टी सीतारामल्लू वन ऑफ द एक्टिविस्ट डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ तेलुगु मेजॉरिटी स्टेट डाइड ऑन 16 दिसंबर 1952 आफ्टर अंडरटेकिंग अ फास्ट अनटू डेथ। तो जो साउथ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मास प्रोटेस्ट हो रहा था, और उसमें से जो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे बेसिकली एक लीडर थे पोट्टू सीतारामल्लू। तो इनकी जो है इन्होंने फास्ट रखा था और फास्ट में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली ये फास्ट इस वजह से कर रहे थे कि जब तक आप लोग हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम लोग ऐसी फास्ट रखते रहेंगे। तो इसकी वजह जब इनकी डेथ हो गई फास्ट की वजह से, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा राइट हुए। तो इन सब की वजह से देन फर्स्ट स्टेट जो है आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पे वो क्रिएट हुआ 1956 में। अच्छा 16 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई थी। देन दिस रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल कॉल्ड आंध्र स्टेट ऑन अक्टूबर 1, 1953। बेसिकली 1953 को, अक्टूबर 1, 1953 को क्रिएट हुआ था। देन बाद में इसको रीऑर्गेनाइज करा गया था आंध्र प्रदेश 1956 में। सो आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट स्टेट है जो क्रिएट हुआ लैंग्वेज के बेस पे 1956 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल थिंग इज द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ, ये ऑल थिंग जो है ये कहाँ का नेशनल पार्लियामेंट है। सो द राइट आंसर इज आइसलैंड। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इस वजह से हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो ऑल थिंग जो पार्लियामेंट है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पार्लियामेंट है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 930 AD में। सो ऑल थिंग इज द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी बार कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फंक्शनिंग पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है। सो ऑल थिंग और ये कहाँ का है, आइसलैंड का। 930 AD में क्रिएट हुआ था और इस्टेब्लिश हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो जो हमारा अभी प्रेजेंट में कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा पार्ट जो है
जब ब्रिटिश इंडिया था, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो वो बेसिकली बहुत सारे एक्ट्स लागू किए थे, रेगुलेशंस आए थे बहुत सारे, तो उनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक मेजर पार्ट जो है हमने बोरो किया है हमारे जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ. सो द राइट आंसर इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और कितनी बार ये भी पूछ लेते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने कौन कौन सी चीज़ बोरो की है. सो काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया 1935 से, जैसे कि फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट. फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट जो है वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, फेडरल कोर्ट. सो ये सुप्रीम कोर्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. कौन से अमेंडमेंट करके ये ऐड किया गया था कि जितनी भी मतलब जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो उसमें लोकसभा में मिनिस्टर को लेके, प्राइम मिनिस्टर को लेके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर के 15% से ज़्यादा टोटल स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए. मतलब लोकसभा की हमारी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 550. सो 550 से ज़्यादा जो है, 550 का 15% जो है, सिर्फ 550 मेंबर्स का 15% जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, मिनिस्टर्स होने चाहिए और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए. मतलब जितना भी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स हैं, इन सबको मिला करके जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% होना चाहिए. सो ये कौन सी अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया था, ये ऐड किया गया था 2003 में 91st अमेंडमेंट के बाद. सो सी इज़ द राइट आंसर, 91st अमेंडमेंट एक्ट, द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003. सो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में अमेंडमेंट की गई थी. स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि जितने मिनिस्टर्स होंगे, तो मिनिस्टर्स जो हैं 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा. सो लोकसभा की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 15% जो है, उसके से 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स होने चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस ईयर में इस्टैब्लिश हुआ था, द राइट आंसर इज 1964. द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964. इट वॉज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. सो आपको कमेटी का नाम पता होना चाहिए, संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन. करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था 1964 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. द राइट आंसर इज 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस. सो बेसिकली जब ब्रिटिश और इंडिया में थे तो उन लोगों ने जो रूल किया वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से इंडिया के दो पार्ट्स हो गए. सो ये बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले 1909 में ब्रिटिशर्स ने 1909 का जो एक्ट था इसमें मुस्लिम्स को सिर्फ सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया था मुस्लिम्स के लिए 1909 में. देन 10 साल के बाद 1919 में सिख कम्युनिटी को, सिख को, यूरोपियंस को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, देन इंडियन क्रिश्चियंस को, इंडियन क्रिश्चियन को, सिक्स को, यूरोपियन को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को 1919 में प्रोवाइड किया गया था. कितनी बार पूछ लेते हैं कि 190 सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था वो मुस्लिम्स को किया गया था, ईयर पूछ लेते हैं कौन से एक्ट में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. और फिर ये पूछ लेते हैं कितनी बार कि सिख को कब प्रोवाइड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, तो 1919 के एक्ट में किया गया था. देन उसके बाद 1935 में इन लोगों ने डिप्रेस्ड क्लासेस, यानी कि जो अभी हमारे शेड्यूल कास्ट हैं, दलित जिसे बोलते हैं, तो उन लोगों को भी क्या कहते हैं, डिप्रेस्ड क्लास को भी, शेड्यूल क्लास कास्ट को सेपरेट इलेक्टोरेट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोवाइड किया था. शेड्यूल कास्ट को, वीमेन को एंड लेबर को, लेबर बेसिकली वर्कर्स को, तो इन तीन कैटेगरीज को भी ऐड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में. देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑफ मुस्लिम्स. सो ये मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था, देन 1919 के एक्ट में सिख को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, यूरोपियंस को एंड
इंडियन क्रिश्चियंस को ऐड किया गया था इस लिस्ट में। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिप्रेस्ड क्लास को, विमेन को एंड वर्कर्स को प्रोवाइड किया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम जो बनते हैं वो लोकसभा के इलेक्शंस के बाद बनते हैं। तो लोकसभा में, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपको, आपकी जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, तो 25 ईयर्स जो है एज होनी चाहिए। कितनी बार वो सीधे पूछ लेते हैं कि लोकसभा में, लोकसभा के इलेक्शन के लिए कितनी एज होनी चाहिए, और लोकसभा देन राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होने चाहिए एंड लोकसभा के लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। एंड कितनी बार पंचायत का पूछ लेते हैं कि अगर पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं तो पंचायत के लिए आपकी एज 21 होनी चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, यहाँ पे ये दिया है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज 25 ईयर्स। इट इज़ सेम एज रिक्वायर्ड बाई अ पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, दैट इज 25 ईयर्स। हाउएवर टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा द एज रिक्वायरमेंट इज 30 ईयर्स। तो ये मैंने आपको बता दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which committee was set up to examine the political and administrative structure in the district for the purpose of district planning? कौन सी कमेटी बनाई गई थी या सेटअप की गई थी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट का एग्जामिन करने के लिए? सो थंगोन कमेटी, सी इज़ द राइट आंसर, थंगोन कमेटी। 1988 में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसके चेयरमैन जो थे वो थे पी के थंगोन, इस वजह से इस कमेटी का नाम है थंगोन कमेटी। और ईयर कौन सा था, 1988, टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। द राइट आंसर इज आर्टिकल 240, आर्टिकल 240 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 240 डील विद द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे यूटीज़ की बात हो रही है कि यूटीज़ के लिए रेगुलेशंस, यूटीज़ में कोई भी लॉ या कुछ भी रेगुलेट करने की जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन की गई है, आर्टिकल 240 में। देन आर्टिकल 239 जो है वो किस लिए, रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि यूनियन टेरिटरीज़ को एडमिनिस्टर कैसे करना है, सो ये आर्टिकल 239 में मेंशन है। देन आर्टिकल 230, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न होने चाहिए। देन आर्टिकल 239A में मेंशन किया गया कि द क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर सर्टेन यूटी। देन आर्टिकल 241 डील विद द हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज। सो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में कि कौन सा आर्टिकल जो है वो यूनियन टेरिटरीज़ में हाई कोर्ट्स के लिए, हाई कोर्ट्स को बेसिकली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 241। सो 241 डील विद द हाई कोर्ट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज़। और कितनी बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है, सो दिल्ली जो है ऐसी, सिर्फ दिल्ली ही ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। सो बेसिकली हमारे टोटल जो हाई कोर्ट्स यूनियन टेरिटरीज़ है वो कितनी है, 8 है, एंड स्टेट्स जो हैं वो 28 स्टेट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए यूटीज़ एंड स्टेट्स, और ये यूनियन टेरिटरीज़ अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है, तो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये सब आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।